हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि हम भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग लिए हैं। चलिए हम सीखते हैं कि भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है 4/3 प्लस 5/2। चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर हम लिख के और हल करते हैं। मेरा क्वेश्चन है पहला 4/3 प्लस 5/2, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला अंश हर है, ये अंश हर है, तो हम हर का लघुत्तम लेते हैं। तो हर का लघुत्तम लेते हैं यानी कि 3 और 2 का हम लघुत्तम लेंगे। तो 3 और 2 तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का लघुत्तम कितना होता है, गुना कर देंगे तो मेरा 6 हो जाएगा। अभाज्य संख्या का लघुत्तम मेरा उस संख्या गुना हो जाता है। चलिए हम बटा करके हम लिख देते हैं 6, ये हो गया। अब हम 6 में हम 3 से भाग देंगे, 3 के पारा कितना पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो 2 में हम 8 से 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। और फिर हम ये 6 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 मरते हुए मेरा कट गया 3, तो 3 5 15, ये 15 हो गया। और इसको ऐड करेंगे तो 15 8 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 15 8 23, 23/6, ये मेरा फाइनली आंसर निकल कर आ गया। तो फ्रेंड्स, ये हो गया। और चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, घटाव है, यानी कि 5/3 घटाव 4/6, 5/3 घटाओ 4/6, ये मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्या बोले हैं कि हर का हमें लघुत्तम लेना है यानी कि 3 और 6। चलिए हम इसका हम लघुत्तम निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं, ये नहीं कटेगा, और 2 तिहाई 6, और 3 से लगाते हैं, 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3, ये हो गया। तो मेरा क्या हो जाएगा, फाइनली मेरा 2 तिहाई 6, इसको हम गुना कर देंगे तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 आ गया। इसको बटा करके हम 6 यहाँ पर लिख देंगे और 6 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 मरते हुए कट गया, और 2 में 5 से गुना करेंगे तो 2 5 10, घटाओ तो घटाओ। और फिर हम 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 मरते हुए, और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6/6, तो 6 से 6 कट जाएगा 1 मरते हुए, यानी कि ये मेरा आंसर आ गया 1। तो फ्रेंड्स, जोड़ और घटाव का हम बना लिए। आगे मेरा क्वेश्चन है तीसरा नंबर, यानी गुना है, 5/12 गुना 15/4, 12/5 है, सॉरी 12/5 गुना 15/4 क्वेश्चन है, 12/5 और गुना 15/4। और देखिए भिन्न का हम गुना कैसे बनाते हैं, तो गुना क्या है, तो इसको हम काट सकते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे काट सकते हैं, या नीचे से ऊपर भी काट सकते हैं, या क्रॉस काट सकते हैं, ये हो गया। और नीचे से नीचे गुना नहीं काट सकते हैं आप। चलिए हम काटते हैं, जो कटने वाले उसको काटते हैं। तो 4 के पहरा से मेरा कट जाएगा, क्रॉस कटेगा, 4 तिहाई 12 कट गया 3 मरतबे, और 5 के पहरा से 15 भी कट रहा है, 5 तिहाई 15, ये हो गया। अब हम 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 3, तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। तो फ्रेंड्स, ये मेरा भिन्न का ऐसे गुना बनता है। आगे हम देखते हैं भिन्न का मेरा भाग कैसे बनता है। 7/6 भागा 3/4 है, क्या क्वेश्चन चौथा नंबर, 7/6 भागा 3/4, अब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे लिखते हैं 7/6 भाग उलट के गुना में जाएगा, भाग उलट के कहाँ जाता है, गुना में, तो ये उलट गया तो ये भी उलट जाएगा, 3/4 है तो उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, कटने वाला है तो यानी कि 2 से पहरा से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, अब तो कोई कटेगा नहीं, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता है, और क्रॉस भी नहीं कटेगा, तो हम गुना कर देंगे, यानी कि 7/3 है, 7/3 गुना 2/3, ये हो गया। इसको गुना करेंगे, 7 दूना 14, 14 और 3 तिहाई 9, यानी कि 14/9 आ गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप भिन्न का जोड़ घटाव और गुना और भाग आप सीख गए होंगे। तो फ्रेंड्स, रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।